नाउ नेक्स्ट ही प्रोग्राम हाउ टू रिमूविंग ऑल एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग्स। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है, इसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर बिगिनिंग में मल्टीपल हो सकता है मल्टीपल स्पेसेस अवेलेबल हो लाइक दैट, देन ए बी सी अगेन स्पेस 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 एक्स वाई जेड एंड सिंगल स्पेस पी क्यू आर एंड स्पेस स्पेस लाइक दैट। अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी अवेलेबल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के केसेस में जिस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, रिमूव ऑपरेशन रिगार्डिंग स्पेसिस। लेकिन इस केस में स्पेसिस के रिस्पेक्ट में स्पेशली थ्री प्लेसेस पर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है, आइदर बिगिनिंग और लीडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ट्रेलिंग ऑफ द स्ट्रिंग और इन मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। इस अगर बिगिनिंग में कोई भी स्पेस फाउंड हो रहा है, इस केस में आपको सारे के सारे स्पेसिस को रिमूव कराने की नीड होगी। इस बिगिनिंग के केसेस में ऑल स्पेस रिमूव कराओ सेम है, ट्रेलिंग पार्ट में अगर मल्टीपल स्पेस फाउंड हो रहे हैं देन इन सभी स्पेसिस को रिमूव कराओगे लाइक दैट। बट सपोज दैट अगर मल्टीपल स्पेस मिडिल में फाउंड होता है, मिडिल टर्म में मल्टीपल स्पेसेस को कन्वर्ट करोगे एज अ सिंगल स्पेस लाइक दैट। इस केस में जस्ट ए बी सी मीन्स हेडिंग और ट्रेलिंग के लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, रिमूव ऑपरेशंस, और मिडिल टर्म्स में मल्टीपल स्पेसेस के ऑकरेंस को जस्ट रिप्लेस किससे कराएंगे, ओनली सिंगल स्पेस। मीन्स इस केस में इनिशियली कितने स्पेसेस हैं, फोर स्पेस कन्वर्ट किस में जाएगा, सिंगल स्पेस, देन एक्स वाई जेड, देन ऑलरेडी अगर सिंगल स्पेस है तो इस केस में कोई भी एक्शन परफॉर्म करने नीड नहीं, सिंपली आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या होना चाहिए लाइक दैट। इस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जस्ट मैं सी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करूंगा। अगेन इस केस में एग्जांपल्स के थ्रू सबसे पहले एक स्ट्रिंग लूंगा एज अ एग्जांपल्स, देन इस स्ट्रिंग के थ्रू मैं आपको सारे सारे लॉजिक एक्सप्लोर करूंगा, लॉजिक्स कंप्लीट होने के बाद देन फाइनल राइट डाउन करेंगे करेस्पॉन्डिंग सोर्स कोड। काफ़ी ईजी लॉजिक है इसका, प्लस अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स यूज़ किए किसी भी प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया था। इसके इसमें जस्ट यूज़ क्या करें, कंटिन्यू स्टेटमेंट। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, थोड़ा सा बेसिक आइडिया प्रोवाइड करें। सपोज दैट सम लूपिंग स्टेटमेंट, अगर आपके पास कोई लूपिंग स्टेटमेंट है लाइक दैट फोर, ये लूप कहाँ से मीन्स आई सपोज दैट वन टू टेन, लूप का एग्जीक्यूशन कब तक हो रहा है, अप टू टेन। इन दैट केस सम स्टेटमेंट एस वन देन कंटिन्यू स्टेटमेंट देन सम एन ऑफ द स्टेटमेंट एस टू। तो कंटिन्यू का जस्ट नॉर्मल बिहेवियर क्या रहता है, अगर किसी भी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल को कॉन्सेंट करेगा, इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ कंटिन्यू। जस्ट कंटिन्यू का मेन पर्पज क्या है, जस्ट जैसे ही कंटिन्यू को चांस मिला देन इसका जस्ट बेसिक वर्किंग क्या है, बाई स्कीपिंग ऑल रिमेनिंग स्टेटमेंट कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। इस किसी भी लूप के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करा के डायरेक्टली लूप के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना, दिस इज द बेसिक पर्पज और बेसिक बिहेवियर ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे इस केस में यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल सम स्ट्रिंग बिगिनिंग में मैं कंसीडर कर रहा हूं टू स्पेसेस लाइक दैट। अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल है, देन इस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, ऑपरेशंस, स्पेस अगेन स्पेस कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी देन अगेन थ्री टाइम्स स्पेस कैरेक्टर सी एंड डी देन अगेन सिंगल स्पेस कैरेक्टर ई। ई के बाद जस्ट अगेन फाउंड क्या हो रहा है, टू टाइम्स स्पेस एंड फाइनली नल कैरेक्टर। इस केस में जस्ट आपको हेडिंग और टेलिंग के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराना है, रिमूव ऑपरेशन। मीन्स बिगिनिंग में कितने स्पेस रिमूव करानी नीड है, टू स्पेस। एंडिंग में भी कितने स्पेसेस को रिमूव करने की नीड है, इस केस में जस्ट टू स्पेस। लेकिन मिडिल में आपको इन थ्री स्पेसेस को कन्वर्ट करना है सिंगल स्पेस। अगर ऑलरेडी सिंगल स्पेस है तो इस केस में कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की नीड नहीं है। मीन जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे, जस्ट इस केस में भी अगेन अप्लाई क्या हुआ, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। जैसे ही कंटिन्यूस स्पेस फाउंड हो रहे हैं, डुप्लीकेट स्पेस फाउंड हो रहे हैं, इमीडिएटली डेटा को लेफ्ट पोजिशन में शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। इस मल्टीपल स्पेसेस को जस्ट सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स हेडिंग में मीन्स टोटली स्पेस थ्री प्लेसेस पर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है। मीन्स स्पेसेस किस प्लेस पर होंगे, आइदर हेडिंग और लीडिंग और ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और इन मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, इन मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स अगर मिडिल में कोई स्पेस फाउंड हो रहा है, इस केस में मल्टीपल स्पेस कन्वर्ट किस में करा हुआ है, सिंगल स्पेस। लेकिन इस केस में अगर हेडिंग और ट्रेलिंग में कोई स्पेस फाउंड हो रहा है, देन इस केस में
ऑल स्पेस कन्वर्ट किस में जाएंगे, मीन्स जस्ट रिमूव, रिमूविंग ऑल स्पेस। इस टाइप के आपको ऑपरेशन से अप्लाई करना है। जैसे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके पास गिवन स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स करने के साथ साथ एवरी टाइम एरे के एलिमेंट को कंपेयर किससे करेंगे, स्पेस से। अगर ये स्पेस के साथ मैच होता है देन इसके समय मैच होने के इसमें टू पॉसिबल केस होंगे। अगर फर्स्ट ऑकरेंस है स्पेस के लिए देन आपको सिंपली राइट डाउन कराना है, अदरवाइज रिमूव इट। वन मोर थिंग्स इस केस में, जब फाइनली बिगिनिंग के टू स्पेस रिमूव हो जाए देन ए कहाँ शिफ्ट होगा, बिगिनिंग में, मीन्स फर्स्ट स्पेस के प्लेस पर क्या, मीन्स अगर जस्ट टू स्पेस रिमूव होने के बाद ए क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट, मीन्स इस केस में रिक्वायर्ड क्या, जस्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो इस केस में जस्ट चेक करो एलिमेंट रीड किस प्लेस होगा, फर्स्ट टाइम सेकंड इंडेक्स से, रीड किस प्लेस से करेंगे, सेकंड इंडेक्स से। और प्लस एक कॉपी किस प्लेस पर हो रहा है, कॉपी मीन्स राइट ऑपरेशन, रीड होने के बाद राइट किस प्लेस पर होगा, जीरो इंडेक्स में। तो फाइनल इस केस में टू इंडेक्स मैनेज करनी नीड होगी, मीन्स किस प्लेस से कैरेक्टर को रीड करना है और किस प्लेस में राइट करना है। मीन्स जस्ट इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल्स यूज करूंगा, एज रीड और राइट। मीन्स इस केस में आई और जे नहीं यूज करके मैं रीडेबल फॉर्म में मैनेज करना है, रीड और राइट। चेक इट, मीन सबसे पहले मैं बेसिक्स प्रोवाइड करूंगा, इसके जस्ट बाद फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल सोर्स कोड। तो इस केस में इनिशियली आपके पास टू वेरिएबल्स होंगे आर एंड डब्ल्यू। आर के केस में डेटा रीड कराएंगे, इसे से एरे को ट्रेवर्स कराएंगे यूजिंग इंडेक्स वेरिएबल आर, एरे का नेम क्या, ए। तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, रिमूविंग ऑल हेडिंग स्पेसेस। क्लियर, हेडिंग स्पेसेस के केस में जस्ट मीन्स आर के केस में जस्ट आपको आर डायरेक्टली सेट का कराना है फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर से। तो जैसे पर्टिकुलर केस को फर्स्ट मीन्स फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर का फिर से याद रखना, सबसे पहले क्या रहेगा, सेट इंडेक्स ऑफ एरे और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट नॉन स्पेस एलिमेंट इनसाइड आर। मीन्स जो भी फर्स्ट नॉन स्पेस एलिमेंट फाउंड हो रहा है उसका ऑकरेंस है उसका इंडेक्स किस में असाइन कराना है, आर में। तो फर्स्ट नॉन स्पेस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, सबसे पहले क्या है, जीरो, जीरो लेकिन स्पेस है नॉन स्पेस, स्पेस। नेक्स्ट टाइम क्या है, वन इंडेक्स में क्या, अगेन स्पेस। सेकंड इंडेक्स में क्या, नॉन स्पेस, ए इज नॉट अ स्पेस। तो इमीडिएटली ए का इंडेक्स क्या, टू असाइन किस में जाएगा, आर में। क्लियर, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं साथ में सोर्स कोड भी राइट करा रहा हूं। इसे रिटर्न क्या कराएंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग प्लस इनपुट्स में कितने स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ओनली सिंगल स्ट्रिंग, फंक्शन नेम एज रिमूव ब्लैंक्स, रिमूव ब्लैंक्स। इसे आपको सारे स्पेस रिमूव कराना और ओनली एक्स्ट्रा स्पेस, ओनली एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, नॉट ऑल स्पेस। क्लियर, नेक्स्ट वन आर्गुमेंट टाइप में रिक्वायर्ड क्या हुआ, कैरेक्टर एरे, देयरफॉर वी आर यूजिंग एज कैर स्टार ए। इससे एरे को रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल ए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स, टोटल टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू में जस्ट इंडेक्स मैनेज कराना और इंडेक्स का टाइप क्या होता है, इंटीजर, इसलिए इनका डेटा टाइप मैंने यूज किया जाए इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सेटिंग आर भाई फर्स्ट नॉट नल, फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर, फर्स्ट नॉन स्पेस क्या है, ए। तो इसको सेट करने के लिए लॉजिक किस टाइप से राइट डाउन करेंगे, जस्ट मीन्स इस केस में इंप्लीमेंट करेंगे सम फॉर लूप। आर के केस में आर का इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करोगे, जीरो, प्लस ए लूप कब तक चलाना है, जब तक एरे ए के अंदर आर्थ इंडेक्स में स्पेस फाउंड हो रहा है। क्लियर, जब तक स्पेस फाउंड हो रहा है एवरी टाइम आर प्लस प्लस। चेक करो इस केस में जैसे इस लूप का एग्जिस्ट होगा इसका बॉडी पार्ट कैसा है, एम्प्टी। फिर जे आर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आर के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, टू। ये टू आपको प्रोवाइड कौन करेगा, गिवन लूप। इस लूप को इम्प्लीमेंट करने का एग्जैक्टली मेन पर्पज क्या है, इस रिमूविंग ऑल हेडिंग स्पेस और लीडिंग स्पेसेस। क्लियर, चेक इट, आर इक्वल्स टू जीरो, देन कंडीशन टेस्ट होगा ए ऑफ जीरो इक्वल इक्वल स्पेस, और ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है, स्पेस। स्पेस में फाइनली क्या आ जाएगा, स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन बॉडी एग्जीक्यूट हो, बॉडी एम्प्टी, इसलिए आर प्लस प्लस, आर प्लस प्लस होगा देन वन। मीन्स फर्स्ट स्पेस आप रीड कर चुके हो, नेक्स्ट टाइम आर्थ इंडेक्स का एलिमेंट मैच किससे करा हुए, अगेन स्पेस से। तो आर के केस में अगेन क्या है, आर का वैल्यू क्या है, वन, और वन इंडेक्स में क्या फंड हो रहा है, आर के प्लेस पर क्या है, वन, और ए ऑफ वन में क्या फंड हो रहा है, अगेन स्पेस। नेक्स्ट टाइम स्पेस है देन सेकंड टाइम कंडीशन कैसा, अगेन ट्रू, तो फिर से परफॉर्म क्या होगा, आर प्लस प्लस, फाइनली आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, आर का वैल्यू क्या है, टू,
और ए ऑफ टू में क्या फाउंड हो रहा है करंटली, कैरेक्टर ए। इस केस में ए का कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, स्पेस के साथ। कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा चेक कर सकते हो आर में अवेलेबल क्या है, फर्स्ट नॉन स्पेस का इंडेक्स, फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर का इंडेक्स। और फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर क्या था इस केस में, ए, और ए का इंडेक्स क्या है टू, इसलिए आर में स्टोर भी क्या है ऑल्सो टू। दिस इज द पर्पज ऑफ गिविन लूप। नेक्स्ट वन, इसके अलावा मैंने मीन्स जब भी आप डेटा शिफ्ट कराओगे, अब नेक्स्ट केस में आपको रिक्वायरमेंट क्या है एवरी टाइम, डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। क्लियर, जब डेटा शिफ्ट करा पहले मैं डायग्राम्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट करा, देन अगेन मैं सोर्स कोड कंटिन्यू करूंगा। मीन्स अभी करेंटली टू वेरिएबल्स हैं आर एंड डब्ल्यू, आर का वैल्यू क्या सेट हो चुका है जस्ट टू। क्लियर, देन पहले मैं डायग्राम के फॉर्म में कंप्लीट कर रहा हूँ, देन अगेन इस केस में आपको परफॉर्म क्या कराना है, नेक्स्ट टाइम आर के पास इंडेक्स किसका है, सेकंड एलिमेंट का। तो नेक्स्ट टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना है, एवरी टाइम ए ऑफ आर्थ एलिमेंट आपको विजिट करना है, एवरी टाइम विजिट क्या करना है, ए ऑफ आर्थ एलिमेंट। देन ए ऑफ आर को अगेन मैच कराओगे स्पेस, अगर ए ऑफ आर में और आर के प्रीवियस प्लेस पर अगर स्पेस फाउंड हो रहा है देन आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कराना है, अदरवाइज परफॉर्म क्या कराना है ए ऑफ आर में। अगर केवल ए ऑफ आर में स्पेस है लेकिन प्रीवियस में नॉन स्पेस है देन आपको जस्ट इसको राइट डाउन कराना। मीन्स जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या करा, फर्स्ट वन चेक करो इस केस में ए ऑफ आर, आर के केस में इंडेक्स क्या है जस्ट टू, आर के केस में टू इंडेक्स होने के इसमें जस्ट इसको परफॉर्म क्या करा हुए, एक और वेरिएबल मैनेज करें इसको। मीन्स ए को रीड करके या आर के करेंट प्लेस से डेटा रीड करके आपको राइट केस में कराना है बिगिनिंग इंडेक्स, और बिगिनिंग इंडेक्स क्या है इस केस में जीरो प्लस इस प्लेस सेकेंड इंडेक्स के साथ परफॉर्म क्या हो रहा है रीड ऑपरेशन, और जीरो इंडेक्स के साथ परफॉर्म क्या हो रहा है राइट ऑपरेशन। तो इस केस में डब्ल्यू का वैल्यू क्या सेंड करा लोगे जीरो, तो इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे ए ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू ए ऑफ आर, चेक कर सकते हो ए ऑफ आर मीन्स क्या ए ऑफ टू और ए ऑफ डब्ल्यू मीन्स ए ऑफ जीरो। तो ए ऑफ टू का वैल्यू कॉपी किस में जाएगा ए ऑफ जीरो में, और ए ऑफ जीरो में कॉपी क्या हो जाएगा कैरेक्टर ए, और ए इज कॉपीड। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से आर प्लस प्लस होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में थ्री, आर किस को रेफर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को। वन मोर केस, जैसे ही डब्ल्यू में डेटा कॉपी होगा देन डब्ल्यू में इमीडिएटली इंक्रीमेंट भी कराना है, इसलिए यूज क्या करेंगे डब्ल्यू प्लस प्लस, रिप्लेस क्या हुआ था डब्ल्यू का वैल्यू जीरो, डब्ल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। क्लियर, नेक्स्ट टाइम आर में इंक्रीमेंट होने के बाद आर का वैल्यू क्या हो चुका थ्री, तो आर किस पर साइड है थर्ड इंडेक्स पर, डब्ल्यू किस प्लेस पर साइड है W के अंदर क्या वन, तो अब W किस प्लेस पर सेट है जस्ट वन इंडेक्स। क्लियर, W और R। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से A ऑफ R के करंट प्लेस पर चेक करो इज इट स्पेस और नॉट, मीन से स्पेस है क्या नहीं, अगर ये स्पेस नहीं है देन आप फिर से कॉपी कराओगे, फिर से कॉपी कराओ तो अगेन यूज क्या करेंगे डेटा रीड किस प्लेस से कराना थर्ड इंडेक्स मीन्स आर्थ इंडेक्स, और R का वैल्यू क्या थ्री। मीन नेक्स्ट टाइम आपको कॉपी क्या करना है बी मीन्स ऑन द नेक्स्ट पोजिशन प्लस ए ऑफ डब्ल्यू का करंट वैल्यू क्या है वन, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले डब्ल्यू का वैल्यू रिप्लेस करेंगे देन डब्ल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी टू। नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है वन में, मीन्स थर्ड इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है बी, और बी असाइन किस प्लेस पर होगा वन इंडेक्स में। क्लियर, मीन्स ए और बी बिगिनिंग में शिफ्ट करा चुके हैं। क्लियर, नेक्स्ट टाइम इसके साथ साथ अगेन क्या परफॉर्म हुआ देन आर प्लस प्लस, W का वैल्यू क्या हो चुका है टू, तो अब W किसको रिप्रेजेंट करेगा सेकंड, मीन्स W हमेशा उस प्लेस को रेफर करेगा जिस प्लेस पर आपको कंटेंट्स कॉपी कराना है शिफ्टिंग में। प्लस R के केस में क्या स्टोर है, R का वैल्यू क्या है थ्री, तो R किसको रेफर कर रहा है सॉरी इसके जस्ट बाद मीन्स लूप के थ्रू परफॉर्म किया वो R में इंक्रीमेंट, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, क्यों R एवरी टाइम नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे R और W। तो नेक्स्ट टाइम अगेन चेक करो A ऑफ R में फाउंड क्या हो रहा है, ए ऑफ आर के केस में फाउंड क्या हो रहा है जस्ट स्पेस, लेकिन ये स्पेस कौन सा है फर्स्ट स्पेस। आप क्या करो इस केस में जस्ट अगर ए ऑफ आर में स्पेस फाउंड हो रहा है इफ ए ऑफ आर इक्वल इक्वल स्पेस देन आपको चेक करना हो सकता है इसके प्रीवियस प्लेस पर भी स्पेस हो, अगर इसके प्रीवियस प्लेस पर भी स्पेस है इसका मतलब क्या ऑलरेडी आप प्रीवियस स्पेस को कॉपी करा चुके हैं, इसे स्पेस को कॉपी करने नीड नहीं है। क्लियर, मीन्स अगर स्पेस का फर्स्ट ऑकरेंस फाउंड हो रहा है देन आपको कॉपी कराने की नीड है, लेकिन अभी चेक कर सकते हो ये स्पेस का कौन सा फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस है तो जस्ट इसको कॉपी कराएंगे, कॉपी किस इंडेक्स से कराओगे आर से, आर में क्या है फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स से कॉपी होगा प्लस कॉपी कराओगे डब्ल्यू इंडेक्स में और W का वैल्यू क्या है टू, तो फोर्थ इंडेक्स से एलिमेंट रीड होने के बाद कॉपी कहाँ हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स में। तो इस केस में जब
अगेन असाइनमेंट परफॉर्म हुआ ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है टू, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, इक्वल्स टू ए ऑफ आर, आर का वैल्यू फोर है, ए ऑफ फोर में क्या स्पेस, स्पेस कॉपी किस इंडेक्स में हुआ सेकंड इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स में मीन्स ए, मीन्स ए तो ऑलरेडी बिगिनिंग में शिफ्ट हो चुका है, यानी ए के प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा जस्ट स्पेस, देन इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या होगा आर प्लस प्लस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, मीन्स सारे के सारे ऑपरेशन आपको आर के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कराना, आर का वैल्यू क्या है फाइव। अब चेक कर सकते हो इस केस में करंटली आर जैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का करंट प्लेस भी क्या है स्पेस और प्रीवियस प्लेस भी क्या है ऑल्सो स्पेस, अगर दोनों ही प्लेस स्पेस है तो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी प्रीवियस स्पेस को कहीं ना कहीं कॉपी कर चुके हो, इसे स्पेस तो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, देन आपको अब सेकंड इसके जस्ट फर्स्ट स्पेस के बाद नेक्स्ट जितने भी स्पेस होंगे इनको कॉपी करने की जरूरत है क्या, नहीं, जस्ट आपको क्या कराना इस केस में स्किप, तो इस केस में आपको चेक करना होगा अगर आर में भी स्पेस है और आर माइनस वन में भी स्पेस है, मीन्स प्रीवियस इंडेक्स क्या हुआ आर माइनस वन, मीन्स आर का वैल्यू फाइव है तो मीन्स प्रीवियस क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन इज फोर, क्लियर। तो आपको चेक क्या करना है इस केस में एवरी टाइम इफ ए ऑफ आर इक्वल इक्वल स्पेस, अगर ए ऑफ आर में स्पेस है प्लस इसके साथ साथ आप स्पेस किस में चेक करोगे प्रीवियस प्लेस पर, प्रीवियस प्लेस के लिए एंड कंडीशन के साथ मर्ज करें ए ऑफ आर माइनस वन इक्वल इक्वल ऑल्सो स्पेस, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है इस करंट प्लेस में भी स्पेस और प्रीवियस प्लेस में भी स्पेस और प्रीवियस प्लेस का स्पेस आप ऑलरेडी असाइन कर चुके हो, नेक्स्ट टाइम करंट स्पेस कॉपी करने की जरूरत है क्या, नहीं, जस्ट इसको स्किप कराएंगे। तो इस केस को स्किप कराने के लिए जस्ट इफ कंडीशन में राइट डाउन क्या करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सारे लॉजिक किसके अंदर लूप के अंदर, तो इस केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा हेडर ऑफ द लूप, देन फिर से कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू होने के इसमें आर में क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट सिक्स, आर का वैल्यू जब सिक्स होगा देन अगेन चेक करो इस केस में फर्स्ट स्पेस तो कॉपी हुआ था लेकिन सेकंड स्पेस कॉपी हुआ है क्या, नहीं, सिंपली स्किप, देन अगेन फिर से आर जिस प्लेस पर सेट है स्पेस पर क्या है अगेन स्पेस, फिर से स्पेस है तो फिर से सेम इफ कंडीशन टेस्ट हो, याद रखना कंटिन्यू स्टेटमेंट को चांस मिला इसलिए रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू केस में स्किप हो जाए, मीन्स या तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो या रिमेनिंग लॉजिक से एग्जीक्यूट हो, मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का है आउटसाइड इफ। नेक्स्ट वन आर में क्या स्टोर है करंटली, आर का वैल्यू क्या है सिक्स और सिक्स इंडेक्स में क्या अगेन स्पेस, तो फिर से सेम इफ कंडीशन टेस्ट होगा ए ऑफ आर और प्रीवियस प्लेस क्या बन जाएगा आर माइनस वन, इस केस में आर माइनस वन का इंडेक्स क्या है फाइव और आर का इंडेक्स क्या है सिक्स, तो इस फर्स्ट केस में सिक्स इंडेक्स में सर्च होगा स्पेस, सिक्स इंडेक्स में स्पेस फाउंड हो रहा कंडीशन इज ट्रू, एंड के केस में सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा आर माइनस वन, आर माइनस वन में भी स्पेस फाउंड हो रहा है ये कंडीशन में कैसा ट्रू, ट्रू देन चांस किस मिलेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट की चांस मिलेगा, देन अगेन नो एक्शन डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ऑफ फोर लूप, देन परसों क्या होगा आर में इंक्रीमेंट, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन, प्लस ये स्किप कराने की नीड भी थी रीजन क्योंकि आप ऑलरेडी सिंगल स्पेस को कॉपी कर चुके हो, फिर से नेक्स्ट कमिंग स्पेस को कॉपी कराओ देन कंटिन्यूस स्पेस मीन्स कंटिन्यूस प्लेस पर मल्टीपल स्पेस पॉसिबल है, जबकि आपको एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस कॉपी नहीं करना, मीन्स फर्स्ट स्पेस ब्लैंक था एक्स्ट्रा स्पेस था क्या, नहीं, मीन्स ये रिक्वायर्ड था इसलिए इसको मैंने कॉपी कराया, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कमिंग जितने भी स्पेस हैं सारे के सारे स्पेस कैसे हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस, देन इनको स्किप कराया है, देन इसको मीन्स आपको कॉपी कराने की जरूरत नहीं है शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं, देन आर प्लस प्लस आर का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट सेवन, आर का वैल्यू सेवन होने के बाद आर का सेट हो जाएगा सेवेंथ एलिमेंट में, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन फिर से परफॉर्म क्या हुआ सेम इफ कंडीशन टेस्टिंग, अब नेक्स्ट टाइम जब इफ कंडीशन टेस्ट होगा तो ए ऑफ आर में क्या सी और ए ऑफ आर में सी है सी इक्वल इक्वल स्पेस कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन चांस किस मिलेगा इस केस में मीन्स कंटिन्यू को चांस मिला क्या, नहीं, कंटिन्यू को चांस नहीं मिला, देने एलिमेंट कॉपी हुआ लेकिन एलिमेंट रीड किस प्लेस से करोगे सी से, क्योंकि ये एलिमेंट तो आपको स्किप ही कराना है और सी से रीड होने के बाद कॉपी किसमें होगा डब्ल्यू में, इसलिए डब्ल्यू के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा डब्ल्यू का वैल्यू थ्री, देन डब्ल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट फोर, क्लियर। नेक्स्ट वन इसके जस्ट वन नेक्स्ट केस क्या है असाइनमेंट ए ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या करंटली सेवन और ए ऑफ सेवन में क्या फाउंड हो रहा है सी, तो नेक्स्ट टाइम सी किस इंडेक्स में कॉपी होगा डब्ल्यू में और डब्ल्यू का वैल्यू करंटली क्या है, मैंने इसको गलत किया है, डब्ल्यू का वैल्यू क्या रिप्लेस हुआ थ्री, तो इसलिए डेटा भी किस स्पेस पर कॉपी हुआ थ्री पर, क्योंकि सेकंड इंडेक्स में ऑलरेडी स्पेस को कॉपी करा चुके हैं फर्स्ट स्पेस, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट प्लेस पर डेटा कॉपी होगा, नाउ बी इज रिप्लेस्ड बाई मीन्स ए ऑफ सेवन में क्या है सी और सी किसको रिप्लेस करेगा बी को,
स्पेस पर थर्ड इंडेक्स में, सेवेंथ इंडेक्स डेटा कैरेक्टर क्या रीड हो रहा है सी, आसान किस में हो जाएगा थर्ड इंडेक्स में। नेक्स्ट वन डब्ल्यू में मैं ऑलरेडी पोस्ट इंक्रीमेंट करा चुका हूँ क्योंकि पहले डब्ल्यू के प्लेस पर थ्री रिप्लेस हुआ था देन इंक्रीमेंट। इसका कंट्रोल लूप के पास आएगा, तो लूप में क्या हुआ आर प्लस प्लस, तो आर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी एट। आर का वैल्यू नेक्स्ट टाइम एट होने पर जैसा आर के लिए लूप किस टाइप से मैनेज करें लाइक दैट फोर लूप प्लस इस केस में डब्ल्यू, डब्ल्यू का इनिशियल वैल्यू क्या लिया था जीरो और आर का वैल्यू प्रीवियस लूप के थ्रू ऑलरेडी क्या आ चुका है टू, दो आर में कोई वैल्यू नहीं असाइन नहीं करना, मीन्स वैल्यू किसमें असाइन कराओ डब्ल्यू और डब्ल्यू में असाइन क्या कराएंगे जीरो। देन कंडीशन क्या बन जाएगा इफ ए ऑफ आर, सॉरी लूप कब तक चलाना जब तक ए ऑफ आर नल नहीं हो जाता देन आर प्लस प्लस। इसे लूप कब तक चलाना है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स जब तक ए ऑफ आर का वैल्यू नल नहीं हो जाता है, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट फोर लूप के अंदर अप्लाई क्या करना है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में चेक क्या करना है इफ दैट कंडीशन ए ऑफ आर आर्थ प्लेस और आर माइनस वन प्लेस पर आपको चेक क्या करना है स्पेस, अगर दोनों ही प्लेस पर स्पेस है देन आपको एलिमेंट कॉपी करने की नीड नहीं है। देन इस केस में लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कराएंगे आर और आर माइनस वन इक्वल इक्वल स्पेस, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कंटिन्यू स्टेटमेंट से कंट्रोल कहाँ सेंड होगा एवरी टाइम आर प्लस प्लस, मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ऑफ द लूप, इसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अरे इफ कंडीशन फॉल्स है देन उसके इसमें चांस किसको मिला दैट स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या स्पेस पर ए ऑफ डब्ल्यू प्लस प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आर, क्लियर। दिस इज द स्टेटमेंट और लॉजिक इन साइड लूप, मीन्स इन लूप को जस्ट कंटिन्यू करता हूँ मैं अगेन, आर का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट एट और W का वैल्यू क्या है फोर, तो नेक्स्ट टाइम अगेन इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ में ए ऑफ आर में चेक करें ए ऑफ आर का वैल्यू क्या करेंटली W का वैल्यू क्या है फोर, तो W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ एलिमेंट और R का वैल्यू क्या है एट, तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एट्थ एलिमेंट। अगेन इस प्लेस पर R की केस में चेक करेंगे इफ ए ऑफ आर इक्वल इक्वल स्पेस, ए ऑफ आर में क्या है डी और डी स्पेस के इक्वल नहीं, इसका मतलब इफ कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है देन अगेन एलिमेंट कॉपी होगा एट, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है फोर, पोस्ट इंक्रीमेंट करोगे तो W में इंक्रीमेंट होने के बाद W की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, इससे W में कंडीशनल इंक्रीमेंट हो रहा है, W में एवरी टाइम इंक्रीमेंट हुआ है क्या नहीं, जबकि R में एवरी टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है फोर एवरी इटरेशन ऑफ लूप, क्योंकि इसके इसमें एवरी टाइम इंक्रीमेंट करानी चाहिए, इसमें इंक्रीमेंट तभी करा जब आपने कोई कैरेक्टर को शिफ्ट कराया या कैरेक्टर को कॉपी कराया, अगर कैरेक्टर ही कॉपी नहीं हुआ देन आपको पोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। W ऑलवेज उस प्लेस का इंडेक्स होल्ड करके रखेगा जिस प्लेस पर नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट आपको कॉपी कराना, क्लियर। और R हमेशा उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे जिस एलिमेंट को कॉपी कराना, R के प्लेस पर अगर स्पेस फाउंड हो देन जस्ट इसको स्पेस के फर्स्ट ऑकरेंस को तो कॉपी कराए लेकिन फर्स्ट के अलावा मीन्स फर्स्ट और नेक्स्ट दोनों ही प्लेस फर्स्ट और प्रीवियस सॉरी करेंट और प्रीवियस में अगर स्पेस है उस केस में स्कीप कराना, क्लियर। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद चेक करेंगे अगेन ए ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है सॉरी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है फोर, फोर रिप्लेस करने के बाद डब्ल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी फाइव देन आर का वैल्यू क्या करंटली एट, तो एट एलिमेंट को मीन्स एट्थ इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी कराना है एट का, एट्थ इंडेक्स में एलिमेंट क्या है डी, फोर्थ इंडेक्स में क्या है स्पेस, तो स्पेस रिप्लेस किस हो जाएगा डी से। चेक कर सकते हो लॉजिकली ए बी के ए बी और सी डी के बीच में कितने स्पेस फाउंड कर रहे हैं ओनली वन स्पेस, बिगिनिंग में जितने भी स्पेस थे वो सारे के सारे स्पेस रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट वन नेक्स्ट केस परफॉर्म क्या कराना है इसके जस्ट बाद अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा मीन से असाइनमेंट होने के बाद परफॉर्म क्या हो आर प्लस प्लस, वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट नाइन, आर जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो नेक्स्ट प्लेस पर क्या है अगेन स्पेस, लेकिन चेक कर सकते हो स्पेस करंट प्लेस आर के करंट प्लेस पर तो स्पेस है लेकिन आर माइनस वन में स्पेस है कि आर माइनस वन में क्या है डी, तो इफ कंडीशन के केस में इफ का फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन में क्या करंट प्लेस में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, इसलिए फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन आर माइनस वन वाला एलिमेंट भी स्पेस के इक्वल है क्या नहीं, क्यों आर माइनस वन वाले इंडेक्स में क्या है डी, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, इसे एंड में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड फॉल्स है दोनों ही कंडीशन कैसे होंगे फॉल्स, फॉल्स है इस केस में अगेन किसको चांस मिलेगा दैट स्टेटमेंट। वन मोर थिंग स्पेशली याद रखना है इस केस में कंडीशन फॉल्स होना भी चाहिए था क्योंकि स्पेस का फर्स्ट ऑकरेंस है और फर्स्ट ऑकरेंस आपको एवरी टाइम कॉपी करने की नीड है, आपको स्किप क्या कराना है जस्ट ऑल ऑकरेंसेज आफ्टर फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट के बाद रिमेनिंग जितने भी स्पेसेस के कंटिन्यूस ऑकरेंस होंगे वो आपको सारे के सारे ऑकरेंस रिमूव कराने की जरूरत है, लेकिन करेंट ऑकरेंस मीन्स अगर फर्स्ट टाइम स्पेस फाउंड हो रहा है
कंटिन्यूस फॉर्म में देन इसको स्किप कराने की जरूरत है क्या? नहीं। इस केस में कॉपी कराओ तो कॉपी कराने की मैंने एक्सप्रेशन क्या राइट किया, दैट वन इज दैट वन। इस प्लेस पर जस्ट एक्सप्रेशन क्या है इन दैट केस, इस केस में ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं इसलिए इस पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूं। क्लियर? इज लाइक दैट। अभी आपके पास स्ट्रिंग क्या है, कॉपी क्या हो चुका था, जस्ट स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रिमूव किया है। ए कॉपी हो चुका है, बी कॉपी हो चुका है, स्पेस कॉपी हो चुका है, स्पेस के बाद सी कॉपी हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट मीन्स ये कॉपी कहाँ हो रहा है, सेम एरे में, मीन्स सेम एरे, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू थ्री फोर, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अगेन चेक कर सकते हो मीन्स आर के केस में आर के करेंट प्लेस पर स्पेस है लेकिन प्रीवियस प्लेस पर स्पेस नहीं, इसलिए इफ कंडीशन कैसा है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है देन कंटिन्यू को चांस मिला क्या, नहीं, देन अगेन क्या हुआ, सेम वन। तो इस प्लेस पर जस्ट डब्ल्यू के प्लेस पर डब्ल्यू का करंट वैल्यू रिप्लेस करें, करंट वैल्यू क्या है फाइव, देन डब्ल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स, इक्वल्स टू ए ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या करंटली नाइन, ए ऑफ नाइन, और ए ऑफ नाइन में क्या है जस्ट स्पेस है, फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट स्पेस रिप्लेस कहाँ हुआ फिफ्थ इंडेक्स में, तो फिफ्थ इंडेक्स के अंदर, फिफ्थ इंडेक्स में सॉरी रिप्लेस क्या हुआ था फाइव, डब्ल्यू के स्क्वायर प्रिंट करा फिफ्थ एलिमेंट, तो फिफ्थ प्लेस पर जस्ट आसान क्या हो जाएगा स्पेस, ऑलरेडी भी स्पेस था स्पेस पर और अगेन क्या कॉपी हो रहा है स्पेस, मीन्स इन दैट प्लेस, प्लस अब डब्ल्यू किस, डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो चुका है सिक्स, तो डब्ल्यू के स्पेस पर सेट हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस, मीन्स फर्स्ट स्पेस कॉपी किया अभी मैंने, अगर इसके बाद नेक्स्ट कोई स्पेस होता है उसको स्किप कराएं। क्लियर? दिस इज द पोजिशन ऑफ डब्ल्यू एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, इसके जैसे कंट्रोल करना है आर प्लस प्लस, तो आर में इंक्रीमेंट हुआ, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन, देन आर का पोजिशन क्या है दैट वन, और इसके प्रीवियस लोकेशन को नेम क्या देंगे आर माइनस वन। क्लियर? नेक्स्ट इस प्लेस पर जस्ट कॉपी किया चुका है सी, और सी के बाद स्पेस, मीन सेम एरिया में नेक्स्ट प्लेस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ इस केस में, आर प्लस प्लस हो चुका है, इफ कंडीशन टेस्टिंग, इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, इफ आर इक्वल इक्वल ए ऑफ आर इक्वल इक्वल स्पेस, आर का वैल्यू क्या टेन, और ए ऑफ टेन में स्पेस फाउंड हो रहा है क्या, नहीं, मीन से इफ कंडीशन फॉल्स है, देन अगेन एलिमेंट कॉपी हुआ ए ऑफ आर, ए ऑफ आर मीन्स ए ऑफ टेन, और ए ऑफ टेन में करंटली क्या पास फाउंड हो रहा है ई, तो ई किस प्लेस पर कॉपी कराना है, मीन्स डेटा रीड किस प्लेस से हुआ आर इंडेक्स, और आसान किस में हुआ डब्ल्यू वाले इंडेक्स में, तो चेक कर सकते हो इस प्लेस पर डब्ल्यू का वैल्यू क्या है सिक्स, तो डब्ल्यू का पहले वैल्यू रिप्लेस होगा देन डब्ल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाए सेवन, जैसे ही डब्ल्यू का वैल्यू सेवन होगा पहले ई किस इंडेक्स में साइन हुआ सिक्स इंडेक्स, तो सिक्स इंडेक्स में जस्ट कॉपी किया चुका है ई, चेक कर सकते हो डी और ई के बीच में कितने स्पेस, ओनली वन स्पेस, मीन्स सिक्स इंडेक्स में जस्ट कॉपी किया हुआ है या मिस्टेक हुआ है इस प्लेस पर, ऑलरेडी कॉपी क्या करा चुके हैं कैरेक्टर डी, फोर्थ इंडेक्स में क्या था डी, में डी को कॉपी करने भूल गया था, और फिफ्थ इंडेक्स में क्या साइन हुआ था जस्ट स्पेस। क्लियर? देन उसके बाद ई किस इंडेक्स में कॉपी हुआ सिक्स इंडेक्स में, सिक्स इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है एग्जैक्टली कैरेक्टर इज ई, इसे इस प्लेस पर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स इसके प्रीवियस प्लेसेस पर जस्ट एलिमेंट्स क्या थे थ्री टू वन जीरो, इस प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा था ए बी स्पेस सी दैट वन, मीन्स दिस द ऑरिजिनल एरे। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद अगेन परफॉर्म क्या हुआ आर प्लस प्लस, तो आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आर का वैल्यू करेंटली क्या है टेन, प्लस प्लस होने के बाद आर का वैल्यू क्या है इलेवन, तो आर किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट इंडेक्स, डब्ल्यू किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू का वैल्यू सेवन है तो डब्ल्यू किसको रेफर करेगा सेवन्थ प्लेस, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर का वैल्यू क्या है इलेवन, मीन इलेवंथ प्लेस। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम एलिमेंट कॉपी किस प्लेस में होंगे इसको मैं हटा रहा हूँ, देन अगेन इलेवंथ प्लेस का डेटा रीड हो गया आपको आसान कहाँ कराना है सेवन्थ इंडेक्स में, लेकिन पहले आप चेक करोगे आर्थ प्लेस का वैल्यू, आर्थ प्लेस का वैल्यू क्या है स्पेस, तो आपको प्रीवियस प्लेस पर भी चेक करना, अगर आर में स्पेस है आर माइनस वन में भी चेक करोगे आर माइनस वन में स्पेस फाउंड हो रहा है क्या, नहीं, आर्थ इंडेक्स में क्या है स्पेस, मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, आर माइनस वन में क्या है ई, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करा है स्पेस से, फॉल्स फॉल्स है, देन इसे रिप्रेजेंट क्या करा दिस इज द फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ स्पेस इन दैट प्लेस ऑनवर्ड्स। क्लियर?
फर्स्ट ऑकरेंस से देन आपको कॉपी करने की नीड है, तो अगेन स्पेस पर इफ कंडीशन फॉल्स होने की वजह से चांस किसको मिलेगा, दैट स्टेटमेंट। तो ए ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का करंट वैल्यू क्या है 7, लेकिन डब्ल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, इक्वल्स टू ए ऑफ आर, और आर का इंडेक्स क्या है करंटली 11, ए ऑफ 11 का 11th इंडेक्स का एलिमेंट आसानी किसमें होगा 7th में, तो 11th इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, और एक कॉपी किस इंडेक्स में होगा 7th इंडेक्स, मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर जस्ट आसानी क्या हो जाएगा अगेन स्पेस, देन W का वैल्यू 8 हो चुका है, W किसको रिप्रेजेंट करेगा 8th इंडेक्स, W किसको रिप्रेजेंट करेगा 8, और R का वैल्यू क्या हो चुका है 11, R किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी R का वैल्यू अभी क्या जस्ट 11, उसके बाद R प्लस प्लस हुआ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 12, 12 होने के केस में आर किसको रिप्रेजेंट करा 12th एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से चेक करेंगे सेम इफ कंडीशन, आर का वैल्यू क्या है 12, और आर माइनस वन चेक करो आर में करेंटली क्या फंड हो रहा है स्पेस, और आर माइनस वन में भी क्या फंड हो रहा है ऑल्सो स्पेस, तो इफ कंडीशन कंप्लीटली कैसा ट्रू, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू सेकंड भी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, देन चांस किसको मिलेगा कंटिन्यू को, कंटिन्यू से कंट्रोल कॉन्सेंट हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन विदाउट एग्जीक्यूटिंग दैट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 13, इस प्लेस पर आपको मीन से आर क्या रेफर कर रहा था सेकंड ऑकरेंस ऑफ स्पेस, सेकंड ऑकरेंस है तो सेकंड ऑकरेंस अगर आप कॉपी कराओगे देन अगेन डुप्लीकेट स्पेस फाउंड होंगे, इसलिए इसको स्किप करा दिया है कंटिन्यू के थ्रू, कंटिन्यू का वर्किंग क्या है जस्ट स्किपिंग करेंट ऑकरेंस ऑफ द स्पेस, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस ऑकरेंस स्पेस का कॉपी कर चुके हो। नेक्स्ट टाइम आर का वैल्यू क्या है 13, R का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट 13, तो R अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नल को, R किसको रेफर कर रहा है जस्ट नल, नल के केस में जब फॉर लूप का कंडीशन टेस्ट हुआ A ऑफ R, तो A ऑफ R के प्लेस पर क्या पास हुआ जस्ट नल, और नल मीन्स कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड लूप, अगर कंट्रोल लूप के बाहर आ चुका है देन आपको परफॉर्म क्या कराना है चेक इट, इस केस में करंटली W के अंदर क्या स्टोर है 8th इंडेक्स, W किसको रेफर करा 8th इंडेक्स, मीन्स लास्ट एलिमेंट क्या था E, और E के बाद क्या है नल, मीन्स इस प्लेस पर आपको कॉपी क्या आप नल किस प्लेस पर आ जाएगा मीन्स R कहाँ है दैट प्लेस, तो R प्लेस को अगर इस प्लेस पर कॉपी कराओ तो इसे D के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा नल, क्लियर। लेकिन ये ऑपरेशन आपको कहाँ पर परफॉर्म कराना आउटसाइड लूप, तो आउटसाइड लूप जस्ट आपको नेक्स्ट केस क्या परफॉर्म करना लाइक दैट, वन मोर केस अगर इस प्लेस पर नल आ जाएगा देन ट्रेलिंग एलिमेंट में फाउंड क्या हुआ स्पेस, ई के बाद क्या फाउंड हो रहा है वन स्पेस, फिजिकली ई के बाद टू स्पेस है लेकिन फिर भी सिंगल स्पेस कॉपी हो चुका है, मीन्स मैंने आपको क्या बताया था बिगिनिंग में और एंड में सारे के सारे स्पेस मूव कराना, तो इस केस में जस्ट आप कंडीशन चेक करो अगेन जिस प्लेस पर मीन्स डब्ल्यू जिस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर उसके प्रीवियस इंडेक्स में स्पेस है देन इस प्रीवियस प्लेस पर क्या साइन कराओगे नल, अदरवाइज डब्ल्यू के करेंट प्लेस में क्या साइन कराओगे नल, तो इस केस में इस पर्टिकुलर फॉर लूप के बाद एक और इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे लाइक दैट, इफ ए ऑफ डब्लू कंटेनिंग इस डब्लू नहीं डब्लू के प्रीवियस प्लेस, डब्लू में क्या स्टोर है डब्लू 8 को रिप्रेजेंट कर आपको चेक करना प्रीवियस प्लेस, अगर कंट्रोल स्पेस पर आज पास के अंदर क्या है सारे के सामने से एरे कंप्लीटली ट्रेवर्स हो चुका है, कंप्लीटली ट्रेवर्स होने के बाद आपको चेक करना है कि जो लास्ट एलिमेंट था नॉन स्पेस कैरेक्टर इसके बाद कोई नल फाउंड तो नहीं हो रहा है, पर एक भी नल फाउंड हो रहा है देन उसको रिमूव कराना है, देन इस केस में चेक क्या करेंगे इफ इसके प्रीवियस प्लेस का इंडेक्स क्या है 7, इस दिस इज द डब्ल्यू दिस इज डब्ल्यू माइनस 1, तो डब्ल्यू माइनस 1 में आपको चेक करने की जरूरत है इफ ए ऑफ डब्ल्यू माइनस 1 इक्वल इक्वल स्पेस, इस प्लेस पर स्पेस है देन आपको आर मीस नल, इन नल कहाँ कॉपी कराओगे डब्ल्यू माइनस 1 में, मीस इस प्लेस पर क्या जाएगा नल, सपोज दैट इस पर कोई कैरेक्टर होता लाइक अ बी और अदर कैरेक्टर देन उस केस में नल कहाँ कॉपी होता करेंट प्लेस ऑफ द डब्ल्यू, या तो आप नल W-1 में साइन कराओगे या W और W प्लेस, तो इस केस में कंडीशन ट्रू है देन नल किस प्लेस पर साइन कराएंगे A ऑफ W-1 इक्वल इक्वल सॉरी इक्वल्स टू कैरेक्टर नल, अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन चांस किस मिलेगा एल्स, और एल्स के केस में असाइनमेंट कहाँ कराएंगे करेंट पोजिशन ऑफ द W इक्वल्स टू नल, इसे जस्ट कंडीशन को अप्लाई करने का मेन पर्पज क्या था
दिस इज इफ कंडीशन, मीन्स इफ कंडीशन के थ्रू आपके लिए लास्ट स्पेस को भी रिमूव कराना पॉसिबल, अदरवाइज एटलीस्ट वन स्पेस इंसर्ट होने के चांसेस थे। मीन्स पर्टिकुलर केस क्या है, इसे पर्टिकुलर प्रोग्राम सभी सिचुएशन में वर्क करेगा, मीन्स बिगिनिंग और एंड में आपको कभी भी एक सिंगल स्पेस नहीं मिलेगा। देन फाइनली इस प्रोग्राम से रिटर्न क्या कराना है, रिटर्निंग ओरिजिनल स्ट्रिंग, और ओरिजिनल स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है, ए के पास, रिटर्न ए। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक्स, मीन्स इसे गिवन लॉजिक्स के थ्रू ऑल हेडिंग, ऑल ट्रेलिंग और ऑल मिडिल एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना पॉसिबल है। क्लियर, इसके जस्ट बाद जस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जब भी इस प्रोग्राम का बिहेवियर टेस्ट करोगे, बिहेवियर टेस्ट करने के रिस्पेक्ट में फिर से याद रखना इसके इसमें फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट लूप को चलाने का मेन पर्पज क्या था, जस्ट रिमूविंग ऑल लीडिंग स्पेस और आर को फर्स्ट नॉन स्पेस वाले कैरेक्टर पर सेट करना। नेक्स्ट वन सेकेंड लूप का पर्पज क्या था, जस्ट मिडिल स्पेस को मैनेज करना, मीन्स मिडिल में कोई भी स्पेस फाउंड हो रहा है या कंटिन्यूस स्पेस फाउंड हो रहा है, उसके इसमें लूप कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज एलिमेंट्स कॉपी होंगे, शिफ्टिंग हो, इससे परफॉर्म कर रहा है डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन मीन्स इसके इसमें इफ कंडीशन ने अप्लाई किया, इफ कंडीशन का पर्पज क्या था, अगर सारे एलिमेंट कॉपी होने के बाद स्ट्रिंग के एंड में अगर एटलीस्ट सिंगल स्पेस फाउंड हो रहा है, सिंगल स्पेस डब्ल्यू माइनस वन से रिप्लेस किस हो जाए, नल से, अदरवाइज स्पेस कहाँ कॉपी होगा, करेंट प्लेस ऑफ द डब्ल्यू, क्लियर, सॉरी स्पेस नहीं नल, नल जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा, टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट वन मेन फंक्शन के थ्रू अगर आपको इस कोड को टेस्ट करना है, यूज करोगे जस्ट वॉइड मेन। नेक्स्ट वन प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशंस फॉर कैरेक्टर एरे विद रिक्वायर्ड साइज और मैक्सिमम साइज, इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज कर लेंगे गेट्स फंक्शन, गेट्स ए। देन रिमूव क्या कराना, ऑल ब्लैंक स्पेसेस, मीन्स बिफोर रिमूव, मीन्स डेटा को रिमूव, स्पेसेस को रिमूव करने से पहले मैं डिस्प्ले क्या करा रहा हूँ, ओरिजिनल स्ट्रिंग। वन मोर केस, अगर कोई स्पेस है, स्पेस आपको प्रॉपरली विजिबल हो, इसलिए मैं प्रिंट ऐप के थ्रू डिस्प्ले करा रहा हूँ, प्रिंट ऐप, देन परसेंट एस स्लैश एन डिस्प्ले कराया मैंने वैल्यू ऑफ ए, तो इस केस में ए के सारे कंटेंट्स ब्रैकेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, जिससे आपके लिए स्पेसेस प्रॉपरली देखना पॉसिबल होगा। इसके जस्ट बाद मैं स्पेसेस को रिमूव करा रहा हूँ फंक्शन के, आपका रिमूव ब्लैंक्स कॉल कर रहा हूँ, इसके इसमें रिमूव ब्लैंक्स, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम, सप्लाई किया मैंने रिक्वायर्ड एरे ए और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, अगेन मैंने डिस्प्ले कराया एलिमेंट ऑफ सेम स्ट्रिंग, प्रिंट एफ परसेंट एस, मैं ब्रैकेट इसलिए शो कर रहा हूँ जिससे आपके लिए स्पेसेस को प्रॉपरली देखना पॉसिबल होगा। क्लोज दिस। जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सपोज दैट मैंने एंटर किया सम स्ट्रिंग लाइक दैट स्पेस स्पेस ए बी स्पेस स्पेस सी डी अगेन स्पेस ई स्पेस स्पेस और नल। इस केस में जब मीन्स फर्स्ट टाइम आपको रिजल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा इस इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, स्पेस स्पेस मीन्स स्पेस आपको कभी विजिबल नहीं होंगे, दैट काइंड, दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रिंट ऐप। लेकिन सेमी से रिमूव ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट ऐप कॉल होगा, तो नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट में अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी स्पेस सी डी, ए बी और सी डी के बीच में कितने टोटली कितने स्पेस थे, इनिशियली थ्री, लेकिन अब कितने स्पेस होंगे, ओनली वन, सी डी के बिटवीन में ओनली सिंगल स्पेस, ई के बाद देखा जाए तो टू स्पेस, लेकिन कोई भी स्पेस विजिबल नहीं हुआ। क्लियर, दिस द आउटपुट ऑफ given program।